हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट आप ए पहला मैगनैटिक सस्पेक्टिबिलिटी तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहा सीगा। सो अपना जरा नेक्स्ट टॉपिक हैगा वो हैगा गाउस मैथड। हाँ जी राजे, तो गाउस मैथड के सब तो पहला आप ऑपरेटर्स देखते हैं किस टाइप ना आप करा सैटअप अपना। ठीक है, तो देखो ये आप जो फाइंड आउट करते हैं दैन सी अपना मेन ऑपरेटर्स हैगा राजे, आ अपना बैलेंसर हैगा। ठीक है, आ अपने दो मैगनेट्स है ये अपनी जी है। देखो कि आप स्टैप्स फॉलो करने है, सब तो पहला अपने सबस्टांस आप फिल कर लाँगे इस ग्लास ट्यूब के। ठीक है, इनू पायरेक्स ग्लास ट्यूब है जिन्हों आप गॉस ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, सबस्टांस में फिल करने तो पहला तो आप विदाआउट मैगनैटिक फील्ड जो इन मैगनेट्स के विचाले पुट नहीं किया गा अपनी ट्यूब में उदो ए वे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उस तो बाद मैगनैटिक फील्ड के पुट करके यहाँ जो वेट हैगा वो आप फाइंड आउट करा। तो जो यदा वेट फाइंड आउट कर लिया उस बाद अपने को ऑब्जरवेशनस आदि है राजे, तो ऑब्जरवेशनस के अपने को पॉइंट आता है कि जे तो अपना सबस्टांस जो है पैरामैगनैटिक हैगा तो जिन्ना विदाआउट मैगनेट्स अपना वेट सगा उदू इनक्रीज हो जूगा वेट आप जो इन मैगनैटिक फील्ड के पुट किया। ठीक है, बट जे अपना जोड़ा है डायमैगनैटिक सबस्टांस होगा तो राजे वह जो वेट हैगा वह लैस हो जूगा। ठीक है, तो ये अपना मेन एरी ऑब्जरवेशन अपने को आऊगी। नैक्सट जे आप कैलकुलेशनस देखते दे हैं तो कैलकुलेशनस के अपने को पॉइंट आता है कि आप सस्पेक्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी हैगी है तो इस मैथड के थ्रू आप ईजीली जी सस्पेक्टिबिलिटी काई की वैल्यू हैगी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट उदू कि करा रजे आप लैके चलते हैं जोड़ा डिफरेंस हैगा। ठीक है, कैन बी ईजीली कैलकुलेटड फ्रॉम द डिफरेंस इन द वेट ऑफ सैंपल जो आप मैगनैटिक फील्ड अपना ऑफ हो उस टाइम पर की वेट सगा तो जो आप मैगनैटिक फील्ड ऑन करता उस टाइम पर अपना की वेट सगा सबस्टांस का। ठीक है, तो इतने राजे अपने को एक फोर्स जोड़ा है वो एक्ट करता है अपनी ट्यूब से गाउस ट्यूब से जोड़ा फोर्स एक्ट करता है इज डिटरमाइंड बाय वेइंग एंड इज इक्वल्स टू आप वे करके उस फोर्स में डिटरमाइन कर सकते हैं तो फोर्स की वैल्यू जी एफ हैगी इक्वल्स टू कि होगी हाफ ए कापा एच स्क्र एंड ए रजे जी अपनी इक्वेशन है उस टाइम पर आप लैके चल रहे हैं मेजरमेंट अपनी जो वैक्यूम आप लैके चलीए। ठीक है, ओनली वैलिड इन वैक्यूम होगी अपनी इक्वेशन। इतने ए अपना क्रॉस सैक्शन एरिया हैगा ट्यूब का, एच अपनी होगी इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल होमोलोगस पार्ट ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड कापा आपको पता ही हैगा अपना वॉल्यूम सस्पेक्टिबिलिटी हैगी है। ठीक है, बट जे आप यही ऑब्जरवेशन अपनी एयर के करनी हो जो आप वैक्यूम के करते हैं तो अपने को फॉर्मूला आता है जो आप एयर के करते हैं तो राजे आप एयर करके जी सस्पेक्टिबिलिटी होगी ना वो माइनस कर देंगे कापा चो तो अपने को न्यू फॉर्मूला बन जाता है एफ इक्वल्स टू हाफ ए कापा माइनस कापा डैश एच स्क्र। ठीक है, इतने जोड़ा अपना कापा डैश हैगा वह वॉल्यूम सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एयर आऊगा अपने को। तो नैक्सट फिर इस तो बाद जो आप जे अपने को आता है अपनी इक्वेशन हैगी जी आप हमने फाइंड आउट की हैगी है एफ इक्वल्स टू हाफ ए कापा माइनस कापा डैश एच स्क्र। हूँ देखो अपनी जी ट्यूब आप लैके चल रहे हैं वो खाली ट्यूब हैगी है अपनी। ठीक है, ट्यूब का जोड़ा मटीरियल आप यूज़ किया डायमैगनैटिक मटीरियल यूज़ किया है तो इट मीनस कि जो आप इस ट्यूब न अपने मैगनैटिक फील्ड के रखिया तो जे अपना जोड़ा सबस्टांस वो पैरामैगनैटिक है तो वह जड़िया लाइनस है मैगनेट्स से उन्होंने अट्रैक्ट करेगा आपके वाली। ठीक है, जोड़ा फोर्स है बट डायमैगनैटिक मटीरियल जिद ट्यूब बनी है वह की करेगा वो नैगेटिव फोर्स अप्लाई करेगा अपना। ठीक है, सो देयर इज़ अ नैगेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल ड्यू टू द ट्यूब। ठीक है, मैगनेट करके पॉजिटिव फोर्स लगेगा जो कि जी अपनी ट्यूब हैगी है क्योंकि वो डायमैगनैटिक मटीरियल की बनी है तो वो करके नैगेटिव फोर्स जोड़ा है अपना वह एक्ट करेगा एंड वो वैल्यू आप लैके चलते हैं डेल्टा। तो जी अपनी फाइनल इक्वेशन बनेगी राजे जो अपना टोटल फोर्स होगा फिर वो किल होगा हाफ ए कापा माइनस कापा डैश एच स्क्र प्लस जोड़ा अपना नैगेटिव फोर्स अप्लाई होया से। ठीक है, टोटल वैल्यू आ जूगी अपनी। तो जे आप इफ सैंपल इज़ फॉर कॉन्सटेंट लेंथ आप लैके चलीए ठीक है क्रॉस सैक्शन एरिया तो अपना ए एच स्क्र जो होगा कॉन्सटेंट वैल्यू हो जूगी तो उस टाइम पर फिर आप इस इक्वेशन दोबारा तो रीडिटर्न करते हैं 10^6 काई इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा एफ डैश अपॉन डबल्यू।
इतने जो अपना एल्फा हैगा राजे वो कॉन्सटेंट हैगा अलाउंग फॉर द डिसप्लेस्ड एयर एंड इक्वल है अमाउंट हैगी 0.029 मल्टीप्लाई स्पैसीमन ठीक है मिलीग्राम के आजगा डबल्यू अपना वेट है अपना सबसटांस का जो आप सैंपल लैके चल रहे हैं एफ डैश जी है वो अपना एक्चुअल फोर्स जोड़ा होगा सैंपल से एंड ए की वैल्यू होगी एफ माइनस डेल्टा दे इक्वल ठीक है तो जोड़ा अपना बीटा हैगा राजे ये हैगी है ट्यूब कैलीब्रेशन कॉन्सटेंट बीटा की वैल्यू हैगी अपनी ट्यूब कैलीब्रेशन कॉन्सटेंट अपने को क्योंकि अपन अपने ऑपरेटर्स को कैलीब्रेट करना पैंता हैगा ठीक है बीटा की वैल्यू आप उतो फाइंड आउट करांगे तो जो आप टू कैलीब्रेट द ऑपरेटर्स आप करते हैं कोई मेजर सबस्टांस लवेंगे आप जी सस्पेक्टिबिलिटी आप ऑलरेडी पता हो ठीक है ना वी मेक मेजरमेंट ऑन अ सबस्टांस हूज सस्पेक्टिबिलिटी इज़ एक्यूरेटली नॉन एंड उतो आप करांगे बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करांगे आ देखो इस इक्वेशन दे विच की है रजे अपने को कि जे आपू ऑलरेडी काई की वैल्यू पता हैगी है तो आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लवेंगे तो आप योजा सबसटांस लवेंगे जिदी आपू काई की वैल्यू ऑलरेडी पता हो तो उन्होंने आप बोलते हैं स्टैंडर्ड सबसटांस ठीक है तो इतने अपना जो स्टैंडर्ड सबसटांस है वो आप लैके चलते हैं मरकरी टैट्रा थायो साइनेटो कोबाल्टेट इनू आप एज आ स्टैंडर्ड सबसटांस लैके चलते हैं कैलीब्रेशन के लिए एंड ए अपने को काई की वैल्यू 20 डिग्री सेंसीयस टैंपरेचर पर आती है 16.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 तो इतों जो आपू एक बार बीटा की वैल्यू पता लग गई तो आप किसी भी सबसटांस के लिए काई की वैल्यू जी है वह फाइंड आउट कर सकते हैं फिर अपने को आ गई राजे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गाउस मैथड कि एडवांटेज की है डिसएडवांटेज की है तो जे आप एडवांटेज देखिए तो एडवांटेज के अपने को रजे फस्ट आता है कि जोड़ा अपना ऑपरेटस हैगा सिंपल हैगा ठीक है ईजी टू असैम्बल हैगा ठीक है ईजीली अपन यूज़ कर सकते हैंडल करना तो यूज़ करना ईजी हैगा ए क्योंकि आप लार्ज अमाउंट लैके चलते हैं सैंपल की तो लार्ज फोर्स अपने को कैलकुलेट हो गए तो जो कैमिकल बैलेंस हैगा ठीक है उन्होंने आप ईजीली मेजर कर सकते हैं बाय चेंज द मास जे आप मास के चेंज करा तो कैमिकल बैलेंस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं नैक्सट आ गई डिसएडवांटेजेस के आता अपने को फस्ट पॉइंट रजे कि ये आप बहुत सारी सैंपल की जरूरत पैंती हैगी है नैक्सट अपने को आ गया ये आपको चाहिए है इट रिक्वायर्स परफेक्ट यूनिफॉर्म पैकिंग आप कहने ना कि होमोलोगसली अपना जो सबसटांस है फिल होना चाहिए है तो मेन है यह सब तो वही डिसएडवांटेज हैगी है रजे कि ये जो सबसटांस है अपना यूनिफॉर्मली फिल होना चाहिए है गाउस ट्यूब के जे वो यूनिफॉर्मली फिल्ड नहीं होगा तो अपने को करैक्ट जोड़े रिजल्ट है वो आपू नहीं मिलेंगे तो ओके रजे अपना गाउस मैथड कंप्लीट हो गया थैंक यू